अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी, टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्राइम्स। रीसेंट लेक्चर में हम क्रिमिनल्स की टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम कवर करते हैं क्राइम के टॉपिक को। दो वीडियोज़ में आपका ये लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्राइम का। पहला आज हम कवर करते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स को। वाइट कॉलर क्राइम जो है वो नॉन वायलेंट क्राइम होता है, यानी इसमें किसी किस्म का वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी मारपीट इसमें नहीं होती, कोई फोर्स नहीं यूज़ की जाती। इन क्राइम्स का जो मोटिव है वो फाइनेंशियल है, ठीक है, यानी माली नुकसान देते हैं इस टाइप ऑफ क्राइम में। वाइट कॉलर क्रिमिनल जो हैं वो मोस्टली यूजुअली आपके कोई प्रोफेशनल पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, यानी कोई हाई एंड के पोजीशन पे होते हैं, जो कि अपनी एवरेज कंपनसेशन से ज़्यादा डिमांड करते हैं, यानी रिया तो रिश्वत ले रहे होते हैं, अपनी जो पोजीशन होती है उसका फ़ायदा उठाते हुए। तो ये वाइट कॉलर क्राइम है। FBI के मुताबिक जो ये टर्म थी, एडविन स्विट्जरलैंड ने 1930s में कॉइन की थी। वाइट कॉलर क्राइम को सिनोनिम कहा जाता है उन तमाम क्राइम्स के लिए जिनमें फ्रॉड आ जाता है, जो कि बिजनेस या गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स करते हैं, यानी किसी भी किस्म का फ्रॉड देना, धोखाधड़ी करना, चीज़ों को छुपाना, ट्रस्ट को की वायलेशन करना, ये सारे के सारे आपके वाइट कॉलर क्राइम्स में आ जाते हैं। और इसमें आप किसी किस्म का फिजिकल फोर्स या वायलेंस यूज़ नहीं करते। जो मोटिवेशन होती है इन क्राइम्स के बिहाइंड वो फाइनेंशियल है, ताकि या तो वो किसी किस्म का पैसा हासिल कर रहे होते हैं, या अपने पैसे को खोने से बचाने के लिए कोई धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी या किसी भी किस्म की सर्विसेज का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनको पर्सनल या प्रोफेशनल एडवांटेज मिल सके। तो वो इन चीज़ों के लिए लोगों को धोखाधड़ी दे रहे होते हैं और अपना, आप कह सकते हैं कि माल को महफूज कर रहे होते हैं या बढ़ा रहे होते हैं। तो ये वाइट कॉलर क्राइम है। ये बेसिक डेफिनेशन थी वाइट कॉलर क्राइम की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। आगे वाइट कॉलर क्राइम को भी मज़ीद क्लासिफाई किया हुआ है। दो टाइप्स हैं, एक है इंडिविजुअल क्राइम, एक है कॉरपोरेट क्राइम। जो इंडिविजुअल क्राइम है वो पर्सनल गेन्स के लिए है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल इसको करता है, ठीक है, यानी उसने धोखा दिया अपने फ़ायदे के लिए, या एक इंडिविजुअल करता है या ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। इसमें मोस्टली आप किसी की आइडेंटिटी छुपा लो, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट आ गया, इसमें हैकिंग आ गई, किसी की आपने ID हैक कर ली, किसी का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, किसी का अकाउंट हैक कर लिया, उसके अलावा इसमें काउंटरफिटिंग आ जाती है, यानी जालसाजी का काम आ जाता है। ये इंडिविजुअल लेवल पे वाइट कॉलर क्राइम है। देन कॉरपोरेट क्राइम क्या है कि एक कलेक्टिव एफर्ट है, जो कि आप एक कॉरपोरेशन को, एक उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हो एज अ होल, ठीक है, आप यानी पूरी कॉरपोरेट को फ़ायदा दे रहे हो, और इसमें पूरी एक पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग इसमें आ जाता है, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये कॉरपोरेट क्राइम है। ये कोई फर्म है जो कि अपने किसी भी एम्प्लॉय से इनसाइडर ट्रेडिंग स्कीम करवा रही है, यानी किसी कंपनी में एक बंदा है, उससे अंदर की मालूमात हासिल करके अपने कंपनी के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रही है, ताकि वो उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। तो ये कॉरपोरेट लेवल पे क्राइम हो गए। तो वाइट कॉलर क्राइम की दो टाइप्स थी, इंडिविजुअल क्राइम एंड कॉरपोरेट क्राइम। अब आगे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, कितने किस्म के वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, ठीक है। हमने क्लासिफाई तो कर लिया कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर है और ये उस पर है कॉरपोरेट क्राइम्स हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स क्या हैं। इस वाइट कॉलर क्राइम को डिस्कस करने से पहले आप ये चीज़ जान लें कि बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो वाइट कॉलर क्राइम्स के अंडर आते हैं। जनरली जितने भी क्राइम्स हैं जो कि धोखाधड़ी के ज़रिए से और जिनका मकसद फाइनेंशियल हो, तो वो हम कहते हैं ये क्या है, ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स आ रहे हैं। फ्रॉड एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट स्कीम्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, जो कि लोगों से उनके पैसा हासिल करने के लिए। आपको पता है फ्रॉड किसी भी किस्म का हो सकता है, कोई भी आप लोगों को फ़ायदे की लालच दे दें, प्रॉफिट का लालच दे दें और लोगों के पैसे वगैरह लूट लें, ठीक है, या दो नंबर चीज़ उनको बेच के असल चीज़ के मुताबिक जो कीमत होगी उसी कीमत पर दो नंबर चीज़ आप बेचने लग जाएँ। तो फ्रॉड की कई किस्में होती हैं, ये वाइट कॉलर क्राइम है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है, इनसाइडर ट्रेडिंग का ये मतलब है कि जब कोई कंपनी है उसमें एक एम्प्लॉय है, आपने उसको ख़रीद लिया और वो आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये आप क्या करें, इनसाइडर ट्रेडिंग करें, यानी आपने अंदर के बंदे को ख़रीदा हुआ है और अंदर की मालूमात आपको मिल रही हैं और आप वो उनके अगेंस्ट यूज़ करके उनसे ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट गेन कर रहे हैं।
पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम जो है वो चार्ल्स पोंजी के नाम पे बनाई गई है, यानी जो सबसे पहले जिसने ये स्कीम की थी और लोगों को धोखा दिया था, तो उसी के नाम पे ये स्कीम रख ली गई, ये क्राइम रख लिया गया कि पोंजी स्कीम। इसमें ये एक इन्वेस्टमेंट स्कैम है, ठीक है। ये ऑफर करता है लोगों को कि आप जो है हमारे साथ इतने अमाउंट इन्वेस्ट करें, हम आपको इसका बहुत ज़्यादा मुनाफा देंगे। उनके तरीकाकार ये होता है कि जो शुरू शुरू के इनिशियल जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनको वो प्रॉफिट दे भी रहे होते हैं, क्योंकि जो जो नए नए बंदे आ रहे होते हैं ना, उन्हीं के पैसे वो आगे पुराने वालों को दिए जा रहे होते हैं, ताकि लोगों का ट्रस्ट गेन्स कर सके कि हाँ भाई यहाँ पे तो प्रॉफिट मिल रहा है। जब वो मजीद क्लाइंट्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाते, ताकि वो पुराने वालों को मुनाफा दे सकें, तो वो क्या कर देते हैं, स्कीम को एकदम से क्लोज करके फुर हो जाते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा माली और प्रॉपर्टी का नुकसान उठाना पड़ता है। इस किस्म का अगर आपने पढ़ा हो तो रिसेंटली एक स्कीम चली थी, जावा आई के नाम से एक एप्लीकेशन चली थी, ठीक है। लोगों से कहा कि आप इतने डॉलर इन्वेस्ट करें, आपको डेली के 2-3 डॉलर प्रॉफिट मिलता जाएगा। लोगों को मिलता भी है, लोगों ने लाख लाख 2 लाख 3 लाख कमाने लगे। अचानक ही वो ऐप बंद हो गई, इस लालच में लोगों ने और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए कि भाई जितने ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा हाई रिटर्न है। तो एकदम जावा आई जो है वो क्लोज हो गई और लोगों का पैसा लेके गायब। तो ये पोंजी स्कीम है, ठीक है, ये एक क्रिम उसकी वाइट कॉलर की टाइप है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर साइबर क्राइम्स। आइडेंटिटी थेफ्ट, ये आप किसी के आईडी को वो कर लेते हो, हैक कर लेते हो, ठीक है। आपने किसी भी किस्म का कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग है, किसी के चैनल, वही बात है कि चैनल हैक कर लिया, या आपने किसी के अकाउंट्स हैक करे, किसी के कंपनी के अकाउंट्स आपने हैक कर लिए, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो आप हैकिंग करते हो वो आपकी इसके अंडर आती है, और ये वाइड स्प्रेड है। 2019 में यूनाइटेड स्टेट में बताया गया था कि $2 बिलियन आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से चोरी किया गया है। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट एक चोरी की एक किस्म है, ठीक है, जो कि रेंज करती है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने कंपनी का अकाउंट से या उसके ड्रॉ से कुछ डॉलर निकालता है, या वहाँ तक जाती है कि आप अपनी कंपनी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करें एम्बेसडर्स के अकाउंट में, तो इस चीज़ को कहते हैं एम्बेजलमेंट, ठीक है। यानी चोरी की ही एक किस्म है कि या तो आप थोड़े से पैसे चुराओ अपनी कंपनी से, या आप बहुत ज़्यादा पैसे अकाउंट से आगे पीछे हेरा फेरी जो कर रहे होते हैं, लोग हेरा फेरी कर रहे होते हो, तो इसको कहते हैं एम्बेजलमेंट। काउंटरफिटिंग है, जालसाजी आप कह लें, यानी आप एक प्रोडक्ट है, डॉक्यूमेंट है या करेंसी है, उसको आप क्या करते हो, उसका डुप्लीकेट बना देते हो, जो बिल्कुल ओरिजिनल वाले के साथ मुकाबले में होता है, और आप उस प्रोडक्ट को बिल्कुल ओरिजिनल की प्राइस में सेल कर रहे होते हैं, या आपने नकली करेंसी बना दी है, जो आजकल बहुत हो रहा है इंडिया वाली साइड पे, बाहर भी और पाकिस्तान में भी नकली नोट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी काउंटरफिटिंग में आ गई। मनी लॉन्ड्रिंग जो है इलीगल एक्शन है, एक इलीगल जो आपने इलीगली मनी हासिल की है उसको इलीगल तौर पर लीगल करने लग जाते हैं आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन से होती है, जिसका आपने दिखाना ये होता है कि जो पैसे हैं ये आप एक किसी कंपनी के ज़रिए से आपने ट्रांसफ़र किए हैं, ये कंपनी का फंड है। असल में वो आपने हो सकता है कि स्मगलिंग से हासिल किया हो, ड्रग्स वगैरह को बेच के हासिल किया हो, मतलब इलीगली तौर पर वो आपको पैसा मिला, अब और उसको आप कह सकते ना कि आपने शो करना है लीगली, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद है हमारे पास स्पिनेज, स्पिनेज या स्पाइंग, ठीक है, यानी कि जासूसी। ये टिपिकली एक वाइट कॉलर क्राइम है। मिसाल के तौर पर आप कोई गवर्नमेंट का एजेंट है, ठीक है, उसको एप्पल की जो कंपनी है, यानी एप्पल के टेक्नोलॉजी में एक एम्प्लॉय को वो क्या कर देता है, हायर कर देता है, और उसको वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस डॉक्यूमेंट के बदले में $10,000 दूंगा, आपने वो मुझे डिज़ायर टेक्नोलॉजी की जो कॉपी है वो ला के देनी है। तो जो इस किस्म का क्राइम होता है उसको कहते हैं एस्पियोनेज। हमारे पास आगे बात करते हैं, हर्बर्ट एडलहर्ट्स आते हैं, जिनकी किताब है द नेचर, इम्पैक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। उन्होंने भी टाइप्स ऑफ क्राइम्स हमें बताई हुई हैं ऑन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, कि जब इंडिविजुअल क्राइम करते हैं तो उसके अंडर कितनी कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, यानी परचेज ऑन क्रेडिट विदाउट नो इंटेंशन टू पे, आपने कोई चीज़ खरीदी और आपका कोई इरादा नहीं है उसकी कीमत देने का, आप टैक्स, इनकम टैक्स वायलेशन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स कर रहे हैं, या बैंकक्रप्सी फ्रॉड कर रहे हैं, ये कौन से क्राइम्स हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। ऑक्यूपेशन के लिहाज से जो क्राइम करते हैं वो है कमर्शियल ब्राइबरी, ठीक है, रिश्वत वगैरह लेना, एम्बेजलमेंट आ गई, और बैंक वायलेशंस आ गए।
और बिजनेस ऑपरेशन के मुताबिक जो क्राइम होते हैं, आप टैक्स को वायलेट कर रहे होते हो, आप एंटी ट्रस्ट वायलेशन कर रहे हैं और फूड और ड्रग वायलेशंस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हमें हर्बर्ट ने टाइप्स ऑफ क्राइम्स दी थी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस ऑपरेशंस। अभी के लिए इतना काफ़ी है वाइट कॉलर क्राइम के लिए, ठीक है। आप इसको स्टडी करें, समझें, जहन नशी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो थ्योरी समझाऊंगी जो वाइट कॉलर क्राइम पे लगती हैं। देन हम बाकी दो जो टाइप्स हैं क्राइम की उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्राइम्स का, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।